press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. I saw the trailer also. I wished him all the best. Yeah. Zen ka I think pehla song hai. That's why we came here to support him. And it's a nice song. It's a love song. And he, as always, he has done an amazing job. See, I have done a show with him, so I know him really well. He's very sweet, well-behaved. He's honest. मतलब वो गलती करेगा तो बोलेगा हाँ मैंने गलती करी. So he is very honest and sweet. Zain और मैंने साथ में खतरों के खिलाड़ी में हम बहुत close दोस्त बन गए वहाँ पर. And he's a nice guy. उसके साथ बहुत भाई वाली feeling आती है. बहुत अच्छा है. And chilled out है. और एकदम फन लविंग बंदा है, हंसी मजाक करता है. सो अच्छा है, मतलब उसके साथ चिल करने में बहुत मजा आता है. इज़ अ नाइस गाय. आई थिंक हम लोग तो हैं ही उस जनरेशन से जब म्यूजिक वीडियोस बहुत होते थे, एल्बम्स बहुत आते थे. सो अभी दोबारा आया तो इट्स अमेजिंग. अच्छा लगता है पंजाबी म्यूजिक ने ये ट्रेंड वापस लाया. एंड बहुत अच्छा फील होता है. हर दिन, हर वीक आपको एक नया गाना सुनने को मिलता है. सो इट्स आगे के लिए क्या फाइनल पहुंच गया मैं बस खत्म अभी जितनी कर ली अभी. नाउ आई एम देयर इन लाइक सो फाइनल्स की मेहनत चल रही है अब. सो इंशाल्लाह देखो अच्छा हो जाए, क्योंकि मेहनत तो बहुत की है. अभी भी करके ही आ रहा हूँ, रिहर्सल से ही आ रहा हूँ. एंड इट्स रियली डिफिकल्ट, बट थैंक गॉड सफर पूरा हुआ. सी, आई हैव सीन इट वेरी क्लोजली. जब से इसने नट साइन किया है, मुझे नहीं लगता कि चैन से सोया है या इसने चैन से एक भी मील खाया होगा. बिकॉज रिहर्सल्स इतने हेक्टिक होते हैं एंड देर आर 100 थिंग्स, प्रेशर टू परफॉर्म, स्टेप्स याद करना. तो आई हैव सीन हिज वर्क वेरी वेरी हार्ड. हिम एंड नताशा बोथ, दोनों ने बहुत मेहनत करी है. एंड आई रियली वॉन्टेड टू सी हिम एज अ फाइनलिस्ट एंड ही इज. वो कीड़े मकोड़ों से बहुत डरता है. उनको बोला था मैंने कि डरना नहीं, एंड बस यही बोलता कि जीत के आना, क्योंकि जो शायद मैं नहीं कर सका आप कर लेना. सो या यस यस, आई विश देम ऑल द बेस्ट. एंड आई हैव हर्ड के सीजन बहुत अमेजिंग था. सो लेट्स सी. थैंक यू. थैंक यू सो मच. 2 मिलियन के ऊपर हो गया. वेल, सबसे अच्छा ये चीज़ लग रहा है, सबको जो लिरिक्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्यारे लिरिक्स हैं. सबको लिरिक्स बहुत पसंद आ रहा है. एंड ऑब्वियसली ज़ैन इमाम भी हैं उसमें, तो वो भी एक रीज़न है. एंड दिस इज़ माई फर्स्ट एल्बम टुगेदर, एंड आई मीन आई एम प्रीटी लाइकिंग इट. जस्ट होप कि यार ये सिर्फ 2 मिलियन तो अभी पहुँचा है कुछ घंटों में, 10 दिन के अंदर 100 मिलियन के ऊपर पहुँच जाए. या पाजी इंटरव्यू दे रहा हूँ, आऊँ क्या? ओके. सो या, सो आई एम जस्ट एक्सपेक्टिंग कि 100 मिलियन के ऊपर जल्दी पहुँच जाए. एंड हाँ, दैट्स सो स्वीट. थैंक यू सो मच फॉर दैट मैटर. ओके, सो आई विल जस्ट गो देयर एंड देन कम बैक. थैंक यू. थैंक यू सो मच.
जी बहुत मज़ा आया। एक दो दिन हमने शूट किया और जो जो हम लोगों के शॉट्स रह गए थे वो हमने मुंबई में आके चीट शूट किया, वो आप बता नहीं सकते कि हमने कैसे शूट किया, बट हाँ बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था और वी हैड अ ग्रेट टाइम। यारा टू पहली बात तो और ज़्यादा इमोशनल है, पिछला भी इमोशनल था बट ये और ज़्यादा आपको इमोशन में डुबो देगा। और पिछला वाला स्कूल टाइमिंग का था और ये स्कूल के बाहर निकल के है कि स्कूल के बाहर भी कितनी सारी प्रॉब्लम्स होती है। इट्स नॉट नेसेसरी कि आपसे कोई अगर खफा है तो मतलब कोई रीज़न से खफा हो सकता है या जानबूझ के भी खफा हो सकता है, इट डजंट मीन कि आपका रिलेशन वहाँ टूट जाता है। तो इसके ज़रिए यारा टू के ज़रिए हम ये बताना चाहते हैं कि अपने पार्टनर को पूरा इम्पोर्टेंस दें, काम भी ज़रूरी होता है लेकिन ऐसा नहीं है कि काम के चक्कर में आप पार्टनर को भूल जाएं। वेल बिकॉज टी वी ऑब्वियसली आप हर रोज़ करते हैं, गेट्स मोनोटोनस एंड म्यूज़िक वीडियो एक चीज़ है जो आप कुछ अलग करने को मिलता है। सो स्पेशली जब इनकी आवाज़ का जादू हो और लिरिक्स अच्छे हों तो ऑब्वियसली मुझे हाँ बोलना ज़रूरी था। सो आई थिंक आई हैड अ ग्रेट टाइम एंड बस अगर रिस्पॉन्स और अच्छा हल्के हल्के आ रहा है, 3 मिलियन ऑलरेडी हो चुके हैं एंड और अच्छा रिस्पॉन्स आया एंड जल्दी से 100 मिलियन पहुँचे और हम लोग सक्सेस पार्टी रखें, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दैट मैटर। कल तक तो ऑब्वियसली ट्रेंडिंग में चला ही जाएगा, एक तो गाना इतना प्यारा है, गाना प्यारा है जी, लोगों के दिलों में गाना ट्रेन करता है। आई जस्ट लव दैट थिंग कि लोगों की मेमोरीज में वो गाना ट्रेन करता है फॉर एवर। तो वो उससे बड़ा अवार्ड कुछ नहीं होता, उससे बड़ा कोई भी चीज़ नहीं होती है कि आपने कोई चीज़ सोची है और उसके साथ इतने सारे लोग जुड़ के सेम चीज़ सोच रहे हैं। सो आई एम लाइक वेरी वेरी हैप्पी कि लोग उससे कनेक्ट कर रहे हैं, यारा टू से लोग अपने आप को कनेक्ट कर पा रहे, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। मतलब शूटिंग की थी, शूटिंग के दौरान तो ऑब्वियसली छोटे छोटे क्लिप शूट किए थे, तो फाइनल टच आपने देखा गाने का तो मतलब क्या फीलिंग थी और मतलब कितना? वेल हम लोग सभी साथ में बैठे थे, मैं, हमारे जो प्रोड्यूसर साहब हैं अशरफ भाई और ममता, हम तीनों साथ में बैठे थे और हम लोग एडिटिंग कर रहे थे एंड जो जो शॉट्स अच्छे थे, आई थिंक जो भी आपने देखे वो सारे बेस्ट शॉट्स लगाए गए हैं। सो आई थिंक वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जब एज एन एक्टर आपको एक लिबर्टी मिलती है कि आप भी आके अपना इनपुट दे सकें। सो या That's the best thing. मुझे खास चीज़ ये लगी, जैसे मैंने वीडियो देखा मैंने कहा ज़ैन पानी में नहा रहे और नहा रहे हैं एंड उनको थोड़े दिन पहले ही डेंगू हुआ था, आई वाज लाइक प्लीज़ बीमार नहीं होना, प्लीज़ बीमार नहीं होना। ज़ैन के साथ काम करने में कैसा लगा, इनका ये क्वेश्चन है, कैसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे पहले पूछना चाहिए था कैसा लगा आपको, कैसा लगा? मैं स्पॉट गर्ल थी ज़ैन की शूटिंग पे, अगर आप बैक स्टेज का फोटोज देखोगे शूट करते दौरान भी आई वाज लाइक कैसा आया, कहाँ आया, कैसे खड़े, कहाँ खड़े। सो बहुत बहुत मज़ा आया, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी केमिस्ट्री, तो आई जस्ट लव्ड, मतलब हम लोगों ने एक्चुअली शूट तो किया ही नहीं, हम लोग मस्ती ज़्यादा कर रहे थे, शूट पे भी सब गायब रहते थे, अभी जैसे गायब रह रहे इधर उधर। सो आई जस्ट एंजॉयड वर्किंग विद हिम एंड ही इज़ फैबुलस एक्टर। मैं तो कब से बोलूँ सिखा दो, सिखाते नहीं है, एक एक्टिंग का एक ए नहीं सिखाते, बोले बस फुटेज लो, मैं जब तक फुटेज ले तो कैमरा बंद ही हो जाता, बोले हो गया भाई खत्म हो गया आपका शॉट। तो दैट इज समथिंग वेरी गुड अबाउट हिम, ही इज सच अ फैबुलस ह्यूमन बीइंग, आई जस्ट लव्ड वर्किंग विद हिम। ओह ओह मोमेंट सबसे पहले तो वेरी हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू, और जब ये हिट हो जाए तो प्लीज सारे पटाखे जलाइएगा, पोल्यूशन को मैं संभाल लूंगा, नो वरी, आई विल प्लांट मोर ट्रीज। नो पटाखे वहां कमेंट बॉक्स में जाके भी जला सकते हैं ना, दैट यू कैन डू। सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड गिव दिस ब्लॉकबस्टर हिट, यस, थैंक यू, वन म्यूजिक ओरिजिनल्स, थैंक यू।